हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हरियाणा पावर यूटिलिटी डिपार्टमेंट की तरफ से है। हरियाणा पावर यूटिलिटी डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकाली है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जो कि बेस है गेट 2021 के बेस पे। सो आज हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 62 पोस्ट निकली है, जिसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो बेसिकली बेस्ड होगा गेट 2021 के जो एग्जाम हुआ था उसके बेस पे। मतलब यहाँ पे कोई आपका रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन किसके बेस पे होगा, गेट 2020। तो मेनली ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने गेट 2021 दिया था एंड वो अच्छा स्कोर कर रहे थे, तो उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 62 पोस्ट निकली है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। ये आपका क्या रहेगा, पे स्केल रहेगा वहाँ पे। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, एंड 55% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी के लिए आपकी डिग्री के लिए, ये बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। एंड आपकी जो डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए। बाकी इससे अलग किसी ब्रांच से आपने अगर डिग्री की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और आपका गेट क्वालिफाई है 2021 का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये किन के लिए है, गेट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने गेट 2021 का एग्जाम दिया था, राइट। अगर मैं एज की बात करता हूँ, एज अगर आपकी एज 20 to 42 ईयर्स के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 31 मार्च 2022 के बेस पे एज कैलकुलेशन करेंगे। ये कुछ एज रिलैक्सेशन है, इससे आप अवेयर ही होंगे क्या एज रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे, राइट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली आपका जो वो क्या बोलते हैं सिलेक्शन होगा वो गेट के बेस पे होगा, गेट 2021 के। एंड इसके अंदर जो गेट 2021 की जो वेटेज रहेगी 80 मार्क्स, अगर मैं आउट ऑफ 100 बात करता हूँ तो आउट ऑफ 100 80 मार्क्स आपके गेट के काउंट होंगे एंड 20 मार्क्स आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो इन्होंने दिया हुआ है उसके बेसिस पे होंगे। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है इनका। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर इनके पास क्या है कि अगर आप कोई विडो हो या फिर आप फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड हो जिसके जो फादर की डेथ है वो 42 एज से पहले हो गई है, या फिर अगर आप फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड हो और आपका फादर जो है वो 15 ईयर की एज अटेंड करने से पहले या उसकी डेथ हो गई है, तब आपको वहां पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर सेकंड क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने, अगर आपने मतलब कि आपकी जो फैमिली है या माता है उस मतलब फैमिली है उसके अंदर से कोई भी बंदा हरियाणा के किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करता, ठीक है, तब भी आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। एंड अगर आपके पास बेसिकली कोई एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, उसके लिए आपके पास 16 मार्क्स होंगे। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो गेट 2021 का जो वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पे 80 मार्क्स का रहेगा, आउट ऑफ 80 आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। एंड अगर मैं बात करता हूँ सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, तो मैक्सिमम मार्क्स आप वहां पर कितने फाइंड कर सकते हो, 20 मार्क्स, वो बेस में इन क्राइटेरिया के बेस पर रहेगा, राइट। तो आप इनको चेक कर सकते हो। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन करूँ तो इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके थे कब से, 5 मार्च से स्टार्ट हो चुके, और लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 31 मार्च है। तो फ्रेंड जल्दी कीजिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है इसमें एप्लीकेशन। अगर आपने गेट 2021 का एग्जाम दिया हुआ है और आपका गेट स्कोर कार्ड अच्छा है, अच्छी रैंक आपने अचीव की थी, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो एंड जॉब फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।